40 की उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो किसी पुरुष में क्या चीज देखती है, ऐसी क्या चीज होती है जिससे वो किसी पुरुष की तरफ अट्रैक्शन फील करती है? क्या चल रहा है दिमाग में आप लोगों के कि मैम कहीं आप अपने बारे में तो नहीं बताने वाले क्योंकि आप भी 40 के हो? ऐसे ही चल रहा होगा ना दिमाग में, कुछ इसी तरह के ख्याल आ रहे होंगे क्योंकि आप तो किसी भी टॉपिक को अगर मैं डिस्कस करूं तो आप उसमें मेरे कैरेक्टर को ढूंढने लग जाते हो कि मैम ये तो आप हो, कहीं ये आप तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। तो डियर ढूंढते रह जाओगे, तो ढूंढते रहिए आज भी इस टॉपिक में कि कहीं ये तो रिया के ऊपर फिट नहीं है, ये तो रिया की चॉइस नहीं है। जिस तरह से किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद, उसकी सोच विचार वक्त के साथ, उसकी बढ़ती हुई उम्र के साथ बदलती रहती है, सेम इसी तरह से किसी औरत की पुरुष को लेकर पसंद नापसंद, उसकी च्वाइस बदलती रहती है। अगर बात मैं करूं किशोर अवस्था में कदम रखी हुई किसी लड़की की, तो वो बहुत जल्दी ही किसी भी लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है, अपने हम उम्र से भी और कई बार अपने से ज्यादा उम्र के आदमी से भी। उसके लिए देखो बस यही एक वजह काफी होती है कि सामने वाला जो है वो गुड लुकिंग है और मेरे लिए खासा पागल है। लेकिन वही जब वो लड़की युवा अवस्था में कदम रखती है तो उसकी सोच में एक बदलाव आता है, मतलब वो मानसिक स्तर पर उसकी एक इंडिविजुअल सोच डेवलप हो जाती है। उसके बाद वो गुड लुकिंग के ऊपर तो ध्यान देती है कि हाँ अगर मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो कम से कम बंदा जो है मेरी टक्कर का होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो और भी चीजों के ऊपर ध्यान देती है कि अगला कॉन्फिडेंट कितना है, केयरिंग कितना है, मेरे लिए वफादार है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। ये छोटी छोटी चीजों पर भी उसका ध्यान जाता है, वो इन चीजों को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देती है। लेकिन वही अगर मैं 40 साल की उम्र की महिला की बात करूं तो देखो वो जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर होती है कि जहां पर उसे उसकी जिंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा होता है, या ये कह लो कि वो चली हुई गोली होती है। तो इसलिए वो किसी भी आदमी से सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होती कि जो सामने वाला है वो गुड लुकिंग दिखता है, और ना ही उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट सकती है कि यार मुझे संभाल पाएगा या नहीं, या दुनिया की नजरों से बचा पाएगा या नहीं, क्योंकि वो संभली संभलाई होती है और दुनिया की नजरें झेल कर आई हुई होती है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुकी होती है। जो उसके हम उम्र आदमी लोग होते हैं वो तो खुद आधी उम्र के हो चुके होते हैं, तो उसे किसकी नजरों का क्या डर, कौन उसे भगा के लेकर जा रहा है, उसका बस चले तो वो खुद किसी को भगा कर ले जाए। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर 40 साल की जो औरत है उसे चाहिए क्या, चाहती क्या है वो? तो आप इस वीडियो को यहां से ध्यान से देखिएगा, आपको पता लगेगा उसकी चाहतें क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये एक ऐसी कॉमन चीज होती है जो कोई भी आयु वर्ग की जो महिला होती है अपने पार्टनर में तलाशती है, ढूंढती है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है या जिससे मैं रिलेशनशिप में हूं वो मेरे साथ कितना ऑनेस्ट है, कितना वफादार है, कहीं ये मेरे इमोशन के साथ खेल तो नहीं जाएगा, कहीं मैं अपनी नजरों में खुद का मजाक बन के तो नहीं रह जाऊंगी। वो महिला जो कि आधी उम्र की है और इस बेईमानी वाली सड़क पर अपने बीते हुए कल में उतर चुकी है, वो दोबारा जानबूझकर किसी बचकानी व्यवहार वाले आदमी से सौदा नहीं करती। दूसरा, ये जो आधी उम्र की महिलाएं होती हैं, ये ऐसे पुरुषों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो उनका कंपैरिजन बात बात पर किसी और महिला से करते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो इन महिलाओं का जो तुलना है वो उनसे भी उम्र की 10 साल छोटी या 15 साल छोटी लड़की से करते हैं। मतलब क्या है वो उम्र, तो वो जी कर आई है, अभी तो उन लड़कियों को खेलना खाना है, कच्ची कलियां हैं वो, अभी तो अंकुर भी नहीं फूटे हैं उनके, आप उनसे उनका कंपैरिजन कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई लव यू, ये जो तीन वर्ड होते हैं, एक मैच्योर वुमेन इन तीन शब्दों का महत्व बहुत अच्छे से जानती है। तो ये तीन वर्ड अगर वो किसी को बोलती है तो इट मीन्स वो बंदा उसके लिए खास है। अब वो खास बंदे में कोई तो क्वालिटी होगी, और वो क्वालिटी क्या कि वो इस तीन वर्ड का महत्व समझता हो, एक रिलेशनशिप को निभाना जानता हो, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में आके उसे दोबारा ये ना हो कि यार इस उम्र में भी मैंने गलती कर दी, क्या हूं मैं। उसके लिए देखो ये जो 40 का दौर होता है ये बहुत ही अर्थपूर्ण और रोमांटिक होता है, तो वो इसे किसी भी बचकाने या खिसियाने आदमी के साथ वेस्ट नहीं करना चाहती।
वो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहती है अपने मन चाहे पार्टनर के साथ, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी का हर पल एंजॉय कर सके। युवा अवस्था में जो चीजें उसके चीजें वो नहीं कर पाई, जो छूट गई, उसे वो पूरा कर सके, क्योंकि जवानी कम है उसके पास, 40 का दौर है ये, बुढ़ापा टकटकी लगाए देख रहा है, तो वो किसी भी सूरत में रिस्क तो नहीं लेगी। अब अगला पॉइंट, माना कि जो 40 साल की जो महिलाएं होती हैं, ये परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं, मानसिक स्तर पर भी संतुलित होती है, 24/7 डेज इनको सेक्स नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सेक्स चाहिए ही नहीं। इन्हें हमेशा ऐसे पुरुष की तलाश होती है जो ना केवल रोमांटिक हो बल्कि सेक्सुअली एक्टिव भी हो। अब क्या है कि ये खुद आधी उम्र की होती है, जो इनकी उम्र के जो मर्द होते हैं वो ऑलरेडी ढल चुके होते हैं। हाँ, अगर किसी आदमी ने अपने आप को खुद हेल्दी और फिट रखा हुआ है तो बात एक अलग है कि वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि 40 के बाद भी किसी आदमी ने अपने आप को हेल्दी फिट रखा हुआ है एकदम टन टनाटन। तो ऐसे में उस जो औरत है उसका जो अट्रैक्शन है वो छोटी उम्र के जो लड़के होते हैं वो खींच ले जाते हैं। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, अगर आप भी अपनी नजर घुमाकर अपने आसपास देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसी औरतों को तो कूगर कहते हैं जो अपने से छोटी उम्र के लड़कों को रिलेशनशिप बनाती है। तो देखिए, माना मैंने कूगर के ऊपर वीडियो बनाई है और मैंने एक्सप्लेन किया है कि अपने से छोटे उम्र के लड़कों को जो फंसाती हैं ये वो, इसकी कैटेगरी होती है जिसे कूगर कहते हैं, लेकिन हर औरत कूगर नहीं होती, ये मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि हर औरत की मंशा ये नहीं होती कि मुझे किसी लड़के को, अपने से छोटी उम्र के लड़के को फंसाना है, उसे यूज करना है, ऐसी हर औरत की मेंटालिटी नहीं होती। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीती हैं, उसका शौक रखती हैं, माइंड से परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, इंडिपेंडेंट थॉट रखती है, ऐसी बचकानी हरकतें वो हरगिज नहीं करती कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए वो किसी को अपने प्रेम जाल में फंसाए या उसको फिजिकली यूज करे। कुछ महिलाओं के लिए अपनी मॉरल वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, ना वो जल्दी से यूज होती ना किसी को यूज करती। तो एक कूगर मेंटालिटी की जो महिलाएं होती हैं इनकी अपनी अलग कैटेगरी होती है, ये आपको ही पहचानना होगा। और हाँ, एक चीज और, ये जो इंडिपेंडेंट थॉट वाली जो महिलाएं होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो अपने से छोटी उम्र के लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, वो अपने हम उम्र आदमी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है अगर वो उसे सूट करता है, उसके हिसाब से है, मैच्योरिटी लेवल उसका मैच करता है, अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, हेल्दी फिट है, तो उसके साथ भी उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। तो आपको ऐसे टेंशन या घबराने की जरूरत नहीं है, यार ऐसी जो औरतें हैं, इस तरह की जो महिलाएं हैं, हमें तो घास ही नहीं करी, हमारी तरफ तो अट्रैक्शन ही फील नहीं करेगी, तो अपने से छोटी की तरफ ही जाएगी, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये थी वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि 40 साल की जो महिला होती है वो किसी पुरुष में आखिर क्या देखती है। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।